हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनाना यानी कि केले के बारे में, कि बच्चे को हम किस उम्र से केला खिलाना शुरू कर सकते हैं, साथ में ही हमें बच्चे को केला कैसे देना चाहिए, किस मौसम में हमें बच्चे को केला देना चाहिए, किस मौसम में हमें बच्चे को केला नहीं देना चाहिए, और बच्चे के वेट गेन के लिए केला हमें कैसे खिलाना चाहिए, और इसके फ़ायदे बच्चे को खिलाने के क्या क्या हैं, साथ में क्या इसके कोई नुकसान हैं, अगर नुकसान है तो वो कैसे कैसे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह की बहुत सी वीडियो लेके आती रहती। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों, बनाना यानी कि केला, सबसे पहला सवाल ये आता है पेरेंट्स का कि किस उम्र से हमें हमारे बच्चे को बनाना खिलाना शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप आपके बच्चे को लिक्विड से सॉलिड में आपके बच्चे का ट्रांजिशन हो जाता है, 6 महीने के पीरियड में जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है, तो वही राइट एज हो जाती है बनाना बच्चे को देने की। तो 6 महीने की उम्र से आप आपके बच्चे को बनाना दे सकती हैं, ये बच्चे के लिए एब्सोल्युटली सेफ़ है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि 6 महीने के बच्चे को हम बनाना किस फॉर्म में दें। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट जो 6 महीने के बच्चे के लिए बनाना होता है वो होता है प्यूरी फॉर्म में। तो बनाना की प्यूरी कैसे आप बना सकते हैं कि एक बनाना को आप स्पून से बहुत अच्छे से मैश कीजिए, और उसमें फिर आप थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क ऐड कर सकती हैं, या फिर आप थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क ऐड कर सकती हैं, ऐसा कि वो प्यूरी फॉर्म में आ जाए। और फिर आपके बच्चे को आप शुरुआत में 1-2 दिन तो आप हाफ़ टेबल स्पून ही दें। फिर आपका बच्चा, अगर आपको लग रहा है कि 3 दिन हाफ़ टेबल स्पून को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है, बच्चे में किसी तरह कोई एलर्जी नहीं दिख रही है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं लग रहा है, तो दोस्तों आप फिर इसको कंटिन्यू कर सकती हैं और क्वान्टिटी बच्चे की इनटेक के अकॉर्डिंग बढ़ा सकती हैं। दूसरा सवाल कि किस मौसम में केला बच्चे को देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। केला आपको जैसे 12 महीने हमारे यहाँ मार्केट में केला पाया जाता है तो आप इसे दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके वहाँ बारिश ज़्यादा आती है या ठंड यूँ रखी है या सर्दियों का मौसम है, तो आप इसको दिन के समय ही दें, यानी कि दोपहर में ही दें। और हाँ, बच्चे को अगर कफ़ हो रहा है तो इसको आप नहीं दें, क्योंकि कफ़ में बच्चे को बनाना देने के लिए मना करी जाती है, क्योंकि ये बनाना जो होता है वो बच्चे के कफ़ को, कोल्ड को बढ़ाता है। अगर बच्चे को ठंड जुकाम है, फीवर है, तब भी आप ठंड और जुकाम में स्पेशली इसको अवॉइड करें। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके बेनिफिट्स की, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है। बच्चे के बड़ों के लिए भी बनाना एक कम्प्लीट मील है। इसमें दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, और दोस्तों इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फैट्स पाए जाते हैं। तो जिन बच्चों को वेट गेन नहीं होता है, उन बच्चों के लिए भी बनाना एक बहुत अच्छा सोर्स होता है वेट गेन के लिए। अगर आप आपके बच्चे की डाइट में पर डे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में बनाना ऐड करती हैं, तो आपके बच्चे को अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो आप नोटिस करेंगे कि ये आपके बच्चों के वजन बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, जो कि बच्चों की अच्छी स्किन के लिए, बच्चों की आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में दोस्तों, बनाना बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको भी अच्छा करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होते हैं। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में भी दोस्तों बनाना यानी कि केला हेल्प करता है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फ्रूट है। लेकिन हाँ, अक्सर हमारे पास पेरेंट्स के सवाल आते हैं कि बच्चे को किस क्वांटिटी में बनाना दें। 6 से 7 महीने के बच्चे का तो पता है कि 1 से 2 आपने टेबल स्पून प्यूरी दे दी, लेकिन बड़े बच्चों को कितना दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो आप 1 बनाना पर डे दे सकती हैं। इसको देने का बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग में 10 o'clock से लेके और दोपहर 2 o'clock यानी कि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच में ही आपको बनाना देना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसको इस समय ही देने की सलाह दी जाती है। अगर आप बच्चों को इसे वेट गेन के लिए खिलाना चाहते हैं तो दोस्तों बेस्ट कि आप इसका शेक बच्चे को पिलाएं, और शेक के लिए आप इसको बनाना के एक बनाना लें, उसमें अच्छा सा आप दोस्तों 1/2 ग्लास मिल्क लें, इसी के साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती है। अगर आपके मिल्क में पानी नहीं है तो
साथ में आप एक दो भीगे हुए डेट्स डाल सकती हैं, एलमंड्स डाल सकती हैं, और स्वीट आपको यानी कि शुगर ऐड नहीं करनी है क्योंकि इसमें अपने आप में बहुत मीठा होता है। और इसको अच्छे से आप ग्राइंड करके इसका शेक बना के बच्चे को दें, यह आपके बच्चे के वेट गेन में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों इस तरह से आप बनाना को कई तरह से आपके बच्चों को दे सकती हैं। साथ में आप बनाना की पॉरीज बच्चों को, जैसे पॉरीज बनाई है उसमें बनाना ऐड कर दिया, बच्चों को आप ओट्स के साथ बनाना दे सकती हैं, बच्चों को आप दलिया खिचड़ी इन सब के साथ मैश करके बनाना दे सकती हैं। बनाना एक दोस्तों ऐसा फ्रूट है जो यूनिवर्सली सारे बच्चों को बहुत पसंद आता है, हर एक मौसम में ये पाया जाता है। अब सवाल आता है कि बच्चों को किस तरह का बनाना बेस्ट रहता है। तो दोस्तों बनाना जो बिल्कुल पूरा पका हुआ हो, अच्छे से पका हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो, पीला कलर का बनाना हो जिस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स से हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे से पक जाता है, यानी कि अंदर से तो पूरा वाइट सा निकलना चाहिए लेकिन ऊपर जो अच्छे से बनाना पक जाता है उस फॉर्म में आपको बच्चों को इसको देना है। जब तक आपका बच्चा अच्छे से खाना चबाना नहीं सीखे तब तक आप इसके स्लाइसेस बच्चों को नहीं दें, नहीं तो बेशक इससे भी बच्चों को चौकिंग का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप आपके बच्चों की डाइट में बनाना ऐड कर सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।